हेलो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन नई वीडियो में। मैं फिर से आ गई आपके साथ एक नए ब्लॉग फेंकते हुए उत्तराखंड हल्द्वानी से। तो गाइस, ऐसा हो रहा है आज दिन में 2:30 बजे के टाइम काफ़ी बारिश आई थी और ये हो रहा है। मम्मा ये देखो, कैमरा ऑन करते छाई आ गई। ये देखो छाई, जय कर दे जय कर दे मम्मा, हाय कर दे, हाय चले गया। उनको दिखा दे दोनों बहनों को। फिर से आ गया मेरे पास। हाय मम्मा, उसको लगता है मैं कहाँ हुई जय कर दे जय मैं मम्मा जी। फिर चले गया। ये हो रहा है गाइस, छत पर आ गई बच्चों को लेके। अभी 6 बजने वाले हैं। आज काले चने बना के आई। मेरे पास आईब्रो बनाने वाली मशीन घर पे है, फिर भी ये फिर भी धज्जियाँ ही हो रही है मेरी। तो मेरा तो रामी मालिक टाइम ही नहीं मिलता है। काम करते करते 2:30 बजे के टाइम पर तो नशा लग जाता है। प्राची चली गया, प्राची जल्दी। 2:30 बजे के टाइम पर तो नशा लग जाता है। प्राची प्राची देखो गाइस, ऐसे रेलिंग में चढ़ने के लिए जाता है। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ। वीडियो बनाने तो होना देते। हाँ हाँ, यहाँ पर लाओ, यहाँ पर खेलोगे तू भी। ये भी लाओ, आपस में इतना ऐसा करते हैं लोग। वो देखो अब गाइस, काम छोटा हो बड़ा हो उसको छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। बूंद बूंद करके खड़ा भरता है, ये सच्चाई है। मैंने तो अपने लाइफ का इतने अनुभव आजमा चुकी हूँ, इतना अनुभव हर चीज़। मेरी जगह मेरी बहन होती हूँ सच में मर जाती, पता है। मैं तो इस घर में आगे मैंने क्या नहीं किया मेरे से पूछो, फिर भी मैं पीछे नहीं हटती गाइस। आप कहोगे सुरती खा रही, आंवले के पत्ते चूस के खाती, मेरे को अच्छे लगते हैं खट्टे खट्टे। आप कहो मैंने ना इस घर में आके क्या नहीं किया मेरे से पूछो। मेरी छोटी 21 साल में शादी हो गई थी। 21 साल में, साल भर में लड़की, मतलब 2012 में शादी हुई थी, 13 में लड़की हो गई थी एक साल बाद। उसके बाद मेरी लड़की तब बीमार हो गई, क्या ही बताने लायक नहीं था। फिर उसके बाद मैंने मेरी लड़की छः महीने की हुई ना, मैंने खुद काम किया। नीलकंठ हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, गुड हेल्थ हॉस्पिटल, हल्द्वानी का कोना कोना मेरे से छनवा लो। कहाँ मैं उत्तराखंड वहाँ पहाड़ से आई थी दनिया से। जिसको दुनिया मार्केट में आने में डर लगता है वो आज हल्द्वानी के बाग बकूरू को सब खा जाएगी। मैं अपने छोटे भाई से बोलती हूँ हल्द्वानी में बाघ आ रहा है, ठीक है। वो क्या बोलता है, तू बाघ की छोटी बहन तो उससे भी कम है क्या। मैं कहती चोर आ रहा है, बोलते तो चोरों की छोटी बहन से कम है क्या, तू तो किसी से ना डरती, तू बिंदास रहा है। गाइस इसीलिए काम छोटा हो बड़ा हो सब करना चाहिए। मुझे तो अपनी ज़िंदगी का इतना अनुभव है ना, मेरा पति मुझे छोड़ भी देगा मैं तभी 3 बच्चों को अकेले पाल लूँगी, वो मुझे कुछ भी ना दे। और ऐसा होगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे इतनी हिम्मत है मैं 3 बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ। मैं मरने दम तक भी इनके लिए सांस ले। हाँ ये देखो गाइस, मेरी परी सबसे अच्छा काम करती है। मौसम की बात करें, कितना सुंदर मौसम हो रहा है अभी खूब सारी बारिश के बाद। ये देखो परी बेचारी अपना खिलौने मिलौने ले आई। गाइस मेरे को तो ज़्यादा वीडियो बनानी भी नहीं आती है, पहले तो फ़ोन थोड़ा सा कैमरा धुंधला था, बस आजकल फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, सीधे फेंक देती हूँ। और मम्मी का नया फ़ोन है। नया फ़ोन है ए परी, ऐसी है गरीबी में आटा गीला मेरा भी हो रहा है। ये हो रहा है गाइस, गरीबी में आटा गीला हाल मेरा हो रहा है। आज मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। प्राची क्या कर रहा है। अरे यार ये प्राची ऐसे काम पर ही अच्छा खासा बैठी है। प्राची वहाँ पानी खाऊन भरे। गाइस ऐसे ही यूट्यूब पर फेसबुक चला रही थी तो मेरे को फेसबुक पे एक वीडियो दिखी, ठीक है। एक शायद लड़की पहाड़ की है बेचारी, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाती होगी, उसका मोनेटाइजर भी हो गया। मोनेटाइजर मतलब
1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, वॉच टाइम भी बेचारी का पूरा हो गया होगा फिर तो। वीडियो उसकी वायरल नहीं होगी, यूट्यूब के तो जो यूट्यूब चलाते होंगे उनको तो पता ही है, यूट्यूब तो जान ले लेता है मेहनत करते करते। तो बेचारी इतना रो रही है, डिप्रेशन में जैसे चली गई। यूट्यूब का मैसेज आ रहा होगा कि आपका चैनल अब बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने मतलब मोनेटाइजर भी कर दिया, उसके बाद डॉलर बनते हैं, सिक्का बनते हैं, क्या बनता है वो तनख्वाह बन के आती है जो, वो बनने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो बेचारी। इतना रो रही है ना, इतना रो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। मैंने कहा भगवान छी, बड़ा दिमाग ख़राब है साला। इतनी मेहनत करने के बाद भी जंगल से आई है, घास काट के लड़की है, 3 साल से कह रही एमए किया, एमए के बाद कुछ जुगाड़ नहीं सपड़ा, यही किया, शादी के लिए भी मना किया और लास्ट में यूट्यूब भी मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं क्या करूँगी बताओ। तो यही है गाइस, क्या ही बताओ, मेरे को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट आया है, मेरे को उस पर ही वीडियो बनाने का टाइम है। इतना अच्छा, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, मैंने पिछले महीने उस कंपनी में बहुत अच्छे से काम किया था, इस महीने तो जुलाई में मेरे कहने से कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इस बार प्राची की ऑनलाइन क्लास लग रही थी, फ़ोन मिल नहीं पाता था। हर आदमी के लिए ना एक टाइमिंग होती है कि जब मन कर रहा तब फ़ोन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक टाइम होता है। इस जून में मैंने बाबू प्राची भैया गिरेगा जून में बहुत अच्छा काम किया, तो मेरे को बहुत अच्छा अर्निंग भी हुआ। इस महीने मैं कुछ काम भी नहीं कर पाई, इतना सुंदर गिफ्ट आया है ना मेरे लिए, बहुत अच्छा। मैं उसके बाद उसके लिए वीडियो बनाना, मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। नीचे बच्चे दिमाग ख़राब कर देते हैं, ऊपर टाइम लाना भूल गई मैं। इतना सुंदर गिफ्ट है, इतना सुंदर गिफ्ट है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना प्यारा है। किसी का ना यहाँ मत छुया करो, यहाँ छू के देखो तब पता चलता है, मेहनत करो आगे बढ़ो। तो इस महीने तो बारिश बारिश होगी, इसकी ऑनलाइन क्लास लगती थी, मुझे फ़ोन वोन मिला नहीं वीडियो बनाने। तो इस बार तो जुलाई में तो हल्का ही रहा काम वाम, अगले महीने से फिर करूँगी, थोड़ा मौसम सही हो जाएगा तो बच्ची के स्कूल स्कूल खुल जाएंगे, फिर उसके बाद अपने काम पर फिर फोकस करूँगी। इतनी अच्छी कंपनी है हम लोग की, इतनी अच्छी जगहों में काम करती हूँ। एक हमारी हल्द्वानी से है, वो भी उस कंपनी में काम करती है, ठीक है, ऊँचा पुल से। वो कल शाम मेरे से कह रही शोभा में 20 लाख रुपए जनरेट कर चुकी हूँ इस कंपनी से काम कर करके, कह रही मैं इसमें 2021 से काम करती हूँ। वो भी तो किसी की लड़की है, वो भी तो 2 बच्चों की माँ है। आप मेहनत करने वाला ना कहीं पीछे नहीं हो सकता, जिसको हिम्मत नहीं होगी तो पीछे ही होगा। यूट्यूब पर भी तो टाइम लगता है, इंस्टाग्राम पर टाइम लगता है, फेसबुक पर, अब कितने सारे ऐप हैं जहाँ टाइम लगता है भैया, टाइम तो सभी जगह लगता है। ऑफिस जाओगे, टिफ़न अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, टेम्पू का किराया अच्छा चाहिए, तो घर तो क्या कहते हैं मरने दम तक सांस लेने तक भी काम करना चाहिए। अभी भी मैं इतना मेरे खोपड़े में काम करते करते रात में ना मुंह में फ़ोन गिर जाता है, तब नींद आती है, काम ही इतना रहता है। सुबह के लिए वीडियो तैयार करना, ये करना, वो करना, बच्चों को सुलाना, अपना घर का काम करना, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना सब। और पता है इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर घूमते हैं गाइस, आज मुझे जा रहा कंपनी जा रहा कोई ऐसे वैसे कंपनी, वहाँ से मैसेज आ रहा है कि आप प्रमोशन करोगी तो बताना, तो जा रहा मैं आपको बता देंगे कैसे क्या करना। ऐसे लल्लू बंजू को जा रहा से मैसेज आ रहा है, उसके बाद मैंने उसका सारा खुदाड़ा पुदाड़ा कुदड़ू करी और वो रियल में जा रहा से ही था। जा रहा ऐप कोई छोटा मोटा नहीं है, जा रहा की सेल देखोगे ना, ये छोटा मोटा थोड़ा है, जैसे फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट जारा कितना बड़ा है। वहाँ से कि आप करोगी सेल बताओ हमारे साथ, मैंने कहा सोच के बताऊँगी। तो गाइस छोटा हो बड़ा हो काम करना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, चोरी में शर्म होती है, गलत काम में शर्म होती है, मैं नहीं डरती। जब आप लोग लड़कियाँ भाग के शादी कर लेती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं, माँ बाप से पूछ के बनाती, कोई ना बनाती, अच्छे काम हो माँ बाप से पूछिए, उनको पता है मेहनत करेंगे तो देना पड़ेगा, फ्री का मिल रहा है खा लेते हैं, हमसे पूछो मेहनत क्या चीज़ होती है। खून पसीना, बाल बनाने का तक टाइम नहीं मिलता है, परसों सोमवार को बाल धोए थे, अभी तक बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, क्या ही करना। इस दुनिया में कुछ करने आए तो कुछ करके दिखाना भी है, भले ही कुछ मत हो लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए, पीछे या किसी को नहीं होना, दूसरे की वीडियो देख के थोड़ा ना सफलता मिलने वाली, खुद करो ना उस काम को तब आगे बढ़ोगे। आँखें फूट जाती हैं आँखें, मेरे को आज इतने सारे वो दूसरे ऐप पे इतनी मैसेज आ रही थी कि आप गूंगी हो आप रिप्लाई नहीं देते, मैंने कहा अरे